हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ, जो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ के जो पहले क्वेश्चन होते थे वो 20-20 नंबर के आते थे, 20-20 क्वेश्चन होते थे। अभी 2018 में ये 10-10 क्वेश्चन आने लगे हैं और 10-10 नंबर के हैं। और इसमें जो पहले मैथ का क्वेश्चन आता था अब वो नहीं आता है, अब उसके जगह पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन 2017 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। दो हजार सत्रह में जो पेपर होता था फर्स्ट पेपर वो 100 नंबर का होता था, लेकिन अभी 2018 में जो पेपर हुआ था केंद्रीय विद्यालय का उसमें 50 क्वेश्चन आता है। जो पहले 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते थे अब वो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन है डायरेक्शंस 1-2। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स फ्रेज इन ईच सेंटेंस। हैरेस्ड बाई फ्रीक्वेंट इंसुलेंट्स आई डिसाइडेड टू पुट माई फुट डाउन। रिटेल इट रीजन नॉट टू एड ए फ्रंट। इसका जो सही ऑप्शन है नॉट टू एल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माई ग्रैंड फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड एक्वायर स्क्वायर इन ऑल माई डिलाइंस। केयरफुल क्वार्टियर्स वेल मीनिंग अपराइट। तो इसका सही ऑप्शन जो है अपराइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायरेक्शन 3 एंड 6। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स वाइज 1, 2, 3, 4। देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द वन दिस पार्ट्स इन आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज द एरर। हाउ डज इस वन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्रीज ऑन द हाईवे। तो इसका जो सही ऑप्शन है डिस्क्राइब द अपरूटेड, ऑप्शन सेकंड सही था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रिवेथी ऑन हर सक्सेस द जस्ट स्माइल्ड नन द जस्ट स्माइल नॉन साइलेंटली एंड टर्न डाउन। इसका जो सही ऑप्शन है एंड टर्न डाउन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए सेलेक्ट ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ ईच स्टोरी इज एन एड फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका जो सही ऑप्शन है इज एन एड फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लैंग्वेज द चूज स्टोरीज अलाउ लर्नर्स टू रीड ऑन देयर ओन विदाउट द हेल्प
ऑफ ए डिक्शनरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है अलाउ लर्नर्स टू रीड ऑन देयर ओन, ऑप्शन थर्ड सही था। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन एट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट ऑफ इट इज अंडरलाइंड फॉर, ऑप्शंस आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इम्प्रूव द सेंटेंस। सेवन नंबर क्या है, द एक्सपीरियंस वॉज एज इम्पॉर्टेंट टू बी आर्टिस्ट एज इट वॉज टू द दोज लैंड्स हु कंप्राइज द ऑडियंस। फर्स्ट नंबर है हु कंप्राइज्ड ऑफ, हु डिड कंप्राइज, हु कंप्रेस्ड, हु वुड कंप्राइज। इसका जो सही ऑप्शन है हु कंप्राइज्ड। He is the best and popular actor of Bollywood. Much popular, the more popular, the most popular, popular most. तो इसका ऑप्शन सही है थर्ड, the most popular. क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वेन द क्लॉक स्ट्रक 6 आई फॉर आवर एंड हावर, हैज बीन वेटिंग, हैव वेटेड, हैड टू वेट, शैल हैव वेटेड। इसका सही ऑप्शन हैड बीन वेटिंग, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड दैट ही इज दैट होटल सिंस नवंबर, हैज बीन स्टेइंग, वाज स्टेइंग, स्टेड, हैज बीन स्टेइंग। इसका सही ऑप्शन हैड बीन स्टेइंग, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 to 12, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम फॉर द गिवन डिफिनीशन। तो इसका 11th का है, इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, केयरफुल, स्टॉप, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव। तो इसका सही ऑप्शन है स्टोइक, ऑप्शन सेकेंड। वन हु इज न्यू इन एनी बिजनेस फॉर प्रोफेशन, स्टार्टर, बिगनर, इनमेच्योर, नॉइस। इसका सही ऑप्शन है नॉइस। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द गंगा, द गंगेस इज द डीप इन मिड स्ट्रीम एट द बैंक, स्लो, वाइड, नैरो, हेलो। तो इसका सही ऑप्शन है सेलो, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। द विंडो पेन इन ट्रांसपेरेंट, फ्रेजल, ओपक्यू, ट्रांसलूसेंट, स्वाइड। इसका ऑप्शन है ऑपक्यू, ऑप्शन सेकेंड। ही सीम्स टू हैव ए प्रोपेंसिटी टू फाइट, प्रोसलिटी,
सिम्टम्स पेंटेंट एवर्जन, इसका जो सही ऑप्शन है एवर्जन ऑप्शन फोर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16-18, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। चूज द एक्वायर्ड क्विक मनी डोंट हेजिटेट टू फ्रंट देयर वेल्थ एंड मटेरियल पोसेशंस पोजिशंस वेस्ट स्क्वेंडर डिस्प्ले स्पेंड। इसका सही ऑप्शन है डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 17, माई फादर कुड नॉट सपर्स इज रेसिमेंट अगेंस्ट माई डिसीजन टू एबॉर्ड। एक्साइटमेंट जॉय इरिटेशन डिस्प्लेजर। तो इसका सही ऑप्शन है डिस्प्लेजर ऑप्शन फोर। इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज शोन इनफ रिसाइलेंस इन क्रिसिस। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट इलास्टिसिटी। इसका सही ऑप्शन है इलास्टिसिटी फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19-20, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड वन वर्ड्स हैज बीन राइटन इन फॉर डिफरेंट वाज आउट ऑफ विच ओनली वन इन करेक्टली स्पेल्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन है एक्यूरेट 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 एक्यूरेट। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका ऑप्शन है सोराइजेंटली स्वराइजेंटी। इसका भी है स्वराइजेंटी स्वरेजेंटी स्वरेजेंटी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड स्वराइजेंटी ऑप्शन सेकेंड 20 का सही है। ये थे 20 क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित। अब 20 क्वेश्चन यहाँ पे हैं हिंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से चंद्र धन उदय की सही संधि का विकल्प चुनिए। चंद्रोदय चंद्रोदय चंद्रादय चंद्रोदय। इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट चंद्रोदय। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्रिया की संज्ञा की सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की। तो यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो ऑप्शन फोर्थ सही है। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। पत्थर की लकीर जिद्दी व्यक्ति दृढ़ रहना पत्थर से चित्र खींचना पत्थर से लकीर खींचना। तो इसका सही ऑप्शन है दृढ़ रहना ऑप्शन सेकंड। प्रिया ने खाना पकाया इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इसका भूतपूर्व अपूर्व भूत संदिग्ध भूत सामान्य भूत। इसका सही ऑप्शन है सामान्य भूत। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के कुछ रूप का चुनाव कीजिए। शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए राशि 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 राशि। इसका सही ऑप्शन है राशि क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड। महाप्राण वर्ड का क्या अर्थ है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। अल्प मात्रा वाले वर्ड जिसके उच्चारण में श्वास अधिक लगे। दीर्घ मात्रा वाले वर्ड कम ध्वनि उच्चारण वाला वर्ड। इसका सही ऑप्शन है सेकंड जिसके उच्चारण में श्वास अधिक लगे। क्वेश्चन नंबर 27,
पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही विकल्प चुनिए। अधिकरण कारक, करण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। इसका सही ऑप्शन है अधिकरण कारक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कौन सा वाक्य भेद है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्र वाक्य, ऑप्शन सेकंड सही है। लाइलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग सही उपसर्ग, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लाइल, ला, लाई, इल। इसका सही ऑप्शन है ला। रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। इसका सही ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सेकंड। नकली शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। ली, इक, ई, ईक। इसका सही ऑप्शन है ई, ऑप्शन थर्ड। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वीरा, वीरा, वीरांगना, वीरता। इसका सही ऑप्शन है वीरांगना, ऑप्शन थर्ड। संतरा किस भाषा का शब्द है? जापानी, पुर्तगाली, संस्कृत, तुर्की। तो ये पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्य को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चार भाषाएं बोलने वाला, चार वेदों को जानने वाला, चार वेदी वाला, यज्ञ चारों वेदों को लिखने वाला। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, चारों वेदों को जानने वाला। नीचे दिए गए विकल्पों विकल्प शब्दों में से किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द नहीं होता, उसे छांटिए। आधुनिक, पक्का, साग, बच्चा, साग, ऑप्शन थर्ड सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नृपति का समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। राजा, नरेश, नृसिंह, भूपति। तो यहाँ नृसिंह जो है ऑप्शन थर्ड ये सही है। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो वह कौन सा वाक्य होता है? क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो वह कर्तृवाच्य होता है, ऑप्शन थर्ड सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़कियों ने अच्छा गीत गाया, लड़की ने अच्छा गीत गाया, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। इसका सही ऑप्शन है थर्ड, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। क्वेश्चन नंबर 39, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इसका सही ऑप्शन है समूहवाचक, थर्ड ऑप्शन सही है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कीजिए। अनभिज्ञ, सर्वज्ञ, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ। इसका सही ऑप्शन है विशेषज्ञ, फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ हैं। क्वेश्चन नंबर 41, न्यू आईपीआर पॉलिसी 2016 में आईपीआर का आशय है इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम रिसर्च, इंडियन पेंशन रूल्स, इंडस्ट्रियल एड, पब्लिक रिलेशंस, इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका सही ऑप्शन फोर, इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 42, अगस्त 23, 2016 को गोदावरी में सिंचाई योजना के निर्माण के बारे में किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र, आंध्र और कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र और तेलंगाना, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय ने भारत का सबसे स्वच्छ राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? पांडुचेरी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, पैरा ओलंपिक गेम 2016 भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? मरियम्मा तंगवेलु, दीपा कर्मचंद, दीप्ति मलिक, दीपा मलिक। इसका सही ऑप्शन है दीपा मलिक, फोर्थ ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 के अनुसार सूची में सर्वोच्च स्थान पर कौन से दो जिले थे? मंडी सिक्किम, शिमला नाडिया, नाडिया सातरा, सतारा मंडी, सिंधुदुर्ग। इसका सही ऑप्शन है मंडी सिंधुदुर्ग, फोर्थ ऑप्शन। भारत और चीन ने एक संयुक्त
सैन्य अभ्यास में अक्टूबर 2016 में भाग लिया, जिसका आयोजन हुआ था लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन सही है लद्दाख में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में निर्मित कौन सी पहली इलेक्ट्रिक बस का अनावरण अक्टूबर 2016 को किसके द्वारा किया गया? टाटा टायोट, किर्लोस्कर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सही ऑप्शन है अशोक लेलैंड, थर्ड ऑप्शन सही है। रियो ओलंपिक 2016 में पुरुषों की फुटबॉल में उपविजेता कौन था? हॉन्डुरास, ब्राजील, जर्मनी, नाइजीरिया। इसका सही ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन थर्ड। IUCN हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 प्राप्त किया चंडी प्रसाद भट्ट, विभूति लालेकर, जोस्वे कम्बासु, बांतु लुकाम्बू। इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, विभूति लालेकर। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में भारत के अनुरोध का समर्थन न करने के पीछे चीन का मुख्य विवाद है। NSG ऐसे संभ्रांत देशों का समूह है जो भारत को नहीं चाहते। भारत की पाक से अनबन, भारत के पास उसके लिए अपेक्षित क्षमता ना होना, भारत पहले परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही है। ग्रीष्म ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते? एक रजत और एक कांस्य, एक स्वर्ण और एक रजत और दो कांस्य, एक स्वर्ण और एक कांस्य। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, एक रजत और एक कांस्य। क्वेश्चन नंबर 53, ललित अर्पण सम्मान के लिए चुनी गई शुभा मुद्गल किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है? बांसुरी और शहनाई, ठुमरी और दादरा, गजल और सुगम संगीत, सरोद और तबला। तो ये ठुमरी और दादरा में ऑप्शन सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वाधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने एक IGA पर हस्ताक्षर किए, IGA का तात्पर्य क्या है? इंट्रा ग्रुप एग्रीमेंट, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, इंडियन जियोग्राफिक एग्रीमेंट, इंफ्राग्राउंड एग्रीमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ऑप्शन सेकेंड। 122वां भारतीय संविधान संशोधन GST विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है असम। क्वेश्चन नंबर 56, संकट मोचन कार्रवाई के अंतर्गत भारत ने दो C-17 परिवहन विमान जुलाई 2016 में वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस देश से भेजे? यमन, कांगो, दक्षिण सूडान, अंगोला। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण सूडान, थर्ड। भारत द्वारा हाल ही में जलावतरण की गई और देश में निर्मित परमाणु पनडुब्बी का नाम है? INS विक्रांत, INS सम्राट, INS विराट, INS अरिहंत। इसका सही ऑप्शन INS अरिहंत। रघुराम राजन ने भारत के रिजर्व बैंक को अलविदा कब कहा? जुलाई 4, 2016, सितंबर 4, 2016, सितंबर 15, 2016, अगस्त 16, 2016। इसका सही ऑप्शन है 4 सितंबर 2016 में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ NIDHI कार्यक्रम क्या है? एक संगठन जो अपनी निधियों के नियंत्रण हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य करता है, अपनी निधियों तथा आधारभूत संरचना की जरूरतें पूरी करने हेतु विचारों को पुष्ट करने की योजना, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य आपात स्थिति में बफर स्टॉक का निर्माण करना, जो उन कृषक दुर्भाग्यवश आत्महत्या करते हैं उनकी सहायता हेतु निधि का सृजन करना। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही होगा, अपनी निधियों तथा आधारभूत संरचना की जरूरतें पूरी करने हेतु विचारों को पुष्ट करने की योजना। क्वेश्चन नंबर 60, नीता अंबानी को निम्नलिखित में से किसका व्यक्तिक सदस्य चुना गया? MCC, FIFA, BCCI, IOC। तो इसका सही ऑप्शन IOC।
क्वेश्चन नंबर 61, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने इस खेल के सभी प्रारूपों से कप्तानी की है? सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एम एस धोनी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन एम एस धोनी। योग एक्सप्रेस 2015 और के बीच चलती है दिल्ली देहरादून, अमृत देहरादून, पुरानी दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई और ऋषिकेश। तो ये पुरानी दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलती है, ऑप्शन थर्ड सही है। BCCI द्वारा सितंबर 21, 2016 में गठित किए गए चयन बोर्ड के प्रधान हैं एम एस के प्रसाद, जतिन परांजपे, शरणदीप सिंह, अनुराग ठाकुर। इसका सही ऑप्शन है एम एस के प्रसाद। एशियन चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में PR श्रीजेश की अनुपस्थित में भारतीय टीम की कप्तानी किसने की? वीरेंद्र लाकड़ा, सरदार सिंह, SV सुनील, रुपिंदर पाल सिंह। इसका सही ऑप्शन है रुपिंदर पाल सिंह, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 65, 2016 में पुरुषों की एशियन हॉकी चैंपियनशिप चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को गोलों से पराजित किया 3-2, 1-0, 2-0, 2-1। तो इसका सही ऑप्शन 3-2 से हराया था। क्वेश्चन नंबर 66, 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल हुए? 29, 28, 27, 26। तो इसमें 28 खेल हुए थे, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 67, पाकिस्तान में बसे भारतीयों के बारे में बहुत दिनों से लंबित पड़ा बिल जिसे हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पारित किया है किस संबंध में? हिंदू मंदिर, हिंदू धरोहरें, हिंदू अधिकारों की सुरक्षा, हिंदू विवाह। तो इसका सही ऑप्शन है हिंदू विवाह, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 28 ओलंपिक पदक जीतकर अपने खेल जीवन के शिखर पर पहुंचा? डेरेक ड्रोइन, उसेन बोल्ट, माइकल फ्लेप्स, मेंग सुपिंग। तो इसका सही ऑप्शन है माइकल फ्लेप्स। क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राज्य संघ की महासभा में भारत की महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को किस भारतीय संगीतकार ने सम्मानित किया? लकी अली, शंकर महादेवन, अमित त्रिवेदी, AR रहमान। ऑप्शन फोर सही है AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र के नवनिर्वाचित सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस किस देश से है? अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल, कोलंबिया। तो इसका सही ऑप्शन है पुर्तगाल, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से अब कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। 405 टाफियाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिली टाफी कुछ बच्चों की संख्या का 20% थी। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली? 18, 15, 45, 9। इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, 9। क्वेश्चन नंबर 72, एक व्यक्ति एक बिंदु से 20 मीटर पूर्व की ओर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर वह 15 मीटर चला, पुनः वह बाईं ओर मुड़ा तथा 8 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर वह 6 मीटर चला, प्रारंभ बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है? 15 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन था 15 मीटर। एक मैच का लिखित मूल्य 1105 है, इस लिखित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, दुकानदार को अभी भी 4% लाभ होता है, मैच का क्रय मूल्य कितना है? 750, 850, 900, 884। तो इसका सही ऑप्शन है 850 रुपये, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 74, एक थैले में 6 लाल, 6 हरी तथा 8 नीली कमीजें हैं, एक कमीज यादृच्छया से निकाली गई, प्रायिका ज्ञात कीजिए कि निकाली गई कमीज हरे रंग की नहीं है। 7/10, 7/20, 9/20, 3/5। तो इसका सही ऑप्शन है 7/10, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, एक राशि ABC तथा D में क्रमशः 3, 2, 3, 7, 11 के अनुपात में बांटी गई, यदि सी का भाग ए से ₹2755 अधिक हो तो बी तथा डी दोनों की कुल राशि है 4408, 7714, 5500, 10, 6612। इसका सही ऑप्शन है सेकेंड
1774 से 1774। क्वेश्चन नंबर 76, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है, 5 75 3 27 6 108 7 84। तो ऑप्शन इसका सही है 7 84। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 77, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ई जी आई के एफ आई एल ओ एफ एच जे एल, तो जी जे पी एम जे जी पी एम जे जी पी एम जे जी जे पी एम, इसका सही ऑप्शन है जी जे पी एम पी, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। निम्न दोनों समीकरणों को हल कीजिए, 4a² - 20a + 21 = 0, 2b² - 5b + 3 = 0। सही उत्तर a is greater than b, b is not greater than a, a greater than b, तो इसका सही ऑप्शन है a is not greater than b, तो ऑप्शन ये सेकंड सही। एक दुकानदार एक कमीज 1200 में खरीद कर उस पर कुछ कीमत लिख देता है, इस लिखित मूल्य को ज्ञात कीजिए जिस पर 20% छूट देने के पश्चात भी दुकानदार को 5% लाभ होता है, 1480 1608 1200 1512 1350। इसका सही ऑप्शन है 1512। क्वेश्चन नंबर 80, दी गई श्रेणी में एक संख्या ठीक नहीं है, जो संख्या ठीक नहीं है उसे लिखिए, 7 13 25 49 97 194 384। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ, जो जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रीजनिंग एबिलिटी मैथ के जो पहले क्वेश्चन होते थे वो 20-20 नंबर के आते थे, 20-20 क्वेश्चन होते थे। अभी 2018 में ये 10-10 क्वेश्चन आने लगे हैं और 10-10 नंबर के हैं, और इसमें जो पहले मैथ का क्वेश्चन आता था अब वो नहीं आता है, अब उसके जगह पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन 2017 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। जो पेपर होता था फर्स्ट पेपर वो 100 नंबर का होता था, लेकिन अभी 2018 में जो पेपर हुआ था केंद्रीय विद्यालय का उसमें 50 क्वेश्चन आता है। जो पहले 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते थे अब वो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन है डायरेक्शंस 1-2, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स फ्रेज इन ईच सेंटेंस। हैरेस्ड बाई, फ्रीक्वेंट इंसुलेंट्स, आई डिसाइडेड टू पुट माई फुट डाउन, रिटेलिट रीजन नॉट टू एड ए फ्रंट। इसका जो सही ऑप्शन है नॉट टू एल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माई ग्रैंड फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड एक्वायर स्क्वायर इन ऑल माई डिलाइंस, केयरफुल क्वार्टियर्स वेल मीनिंग
अपराइट, तो इसका सही ऑप्शन जो है अपराइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायरेक्शंस 3 and 6, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 parts वाइज 1, 2, 3, 4। देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द वन दिस पार्ट्स इन आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज द एरर। हाउ डज ईश्वर डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्रीज ऑन द हाईवे। तो इसका जो सही ऑप्शन है डिस्क्राइब द अपरूटेड, ऑप्शन सेकंड सही था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रिवेथी ऑन हर सक्सेस द जस्ट स्माइल्ड नन The just smiled non-silently and turned down। इसका जो सही ऑप्शन है and turned down। क्वेश्चन नंबर 5th, a select glossary at the end of each story is an aid for understanding। इसका जो सही ऑप्शन है is an aid for understanding। क्वेश्चन नंबर 6, द लैंग्वेज द चूज स्टोरीज अलाउ लर्नर्स टू रीड ऑन देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है अलाउ लर्नर्स टू रीड ऑन देयर ओन, ऑप्शन 3rd सही था। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट ऑफ इट इज अंडरलाइंड फॉर ऑप्शंस आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इम्प्रूव द सेंटेंस। 7 नंबर क्या है, द एक्सपीरियंस वॉज एज इम्पॉर्टेंट टू बी आर्टिस्ट एज इट वॉज टू द दोज लैंड्स who comprise the audience। First number है who comprised of, who did comprise, who compressed, who would comprise। इसका जो सही ऑप्शन है who comprised। He is the best and popular actor of Bollywood। Much popular, the more popular, the most popular, popular most। तो इसका ऑप्शन सही है 3rd, the most popular। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। When the clock struck 6 I for hour and hour, has been waiting, have waited, had to wait, shall have waited। इसका सही ऑप्शन है had been waiting, ऑप्शन 1st। क्वेश्चन नंबर 10, he said that होटल सिंस नवंबर, हैज बीन स्टेइंग, वाज स्टेइंग, स्टेड, हैज बीन स्टेइंग। इसका सही ऑप्शन हैड बीन स्टेइंग, ऑप्शन 4th। क्वेश्चन नंबर 11 to 12, For each of the following, choose the word which can be substituted from for the given definition। तो इसका 11th का है, indifferent to pleasure or pain, careful,
स्टॉक, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव। तो इसका सही ऑप्शन है स्टोइक, ऑप्शन सेकंड। वन हु इज न्यू इन एनी बिजनेस फॉर प्रोफेशन, स्टार्टर, बिगनर, इनमेच्योर, नॉइस। इसका सही ऑप्शन है नॉइस। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। द गंगेज इज द डीप इन मिड स्ट्रीम एट द बैंक, स्लो, वाइड, नैरो, हेलो। तो इसका सही ऑप्शन है सेलो, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। द विंडो पेन इन ट्रांसपेरेंट, फ्रेजल, ओपक्यू, ट्रांसलेंट, ट्रांसलूसेंट, स्वाइड। इसका ऑप्शन है ओपक्यू, ऑप्शन सेकंड। ही सीम्स टू हैव ए प्रोपेंसिटी टू फाइट, प्रोसलिटी, सिम्टम्स, पेंटेंट, एवर्जन। इसका जो सही ऑप्शन है एवर्जन, ऑप्शन फोर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16-18, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, चूज द एक्वायर, क्विक, मनी, डोंट हेजिटेट टू फ्रंट देयर वेल्थ एंड मटेरियल पोसेशंस, पोजीशंस, वेस्ट, स्क्वेंडर, डिस्प्ले, स्पेंड। इसका सही ऑप्शन है डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 17, माई फादर कुड नॉट सपर्स इज रेसिमेंट अगेंस्ट माई डिसीजन टू एबॉर्ड, एक्साइटमेंट, जॉय, इरिटेशन, डिस्प्लेजर। तो इसका सही ऑप्शन है डिस्प्लेजर, ऑप्शन फोर। इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज शोन इनफ रिसाइलेंस इन क्रिसिस, डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ, एडजस्टमेंट, इलास्टिसिटी। इसका सही ऑप्शन है इलास्टिसिटी, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19-20, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड वन वर्ड्स हैज बीन राइटन इन फॉर डिफरेंट वाज आउट ऑफ विच ओनली वन इन करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन है एक्यूरेट, 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 एक्यूरेट। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका ऑप्शन है सोराइजेंटली, सो
स्वराइजेंटी, इसका भी है स्वराइजेंटी, 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 इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, स्वराइजेंटी, ऑप्शन सेकंड 20 का सही है। ये थे 20 क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित, अब 20 क्वेश्चन यहां पे हैं हिंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से चंद्र धन उदय की सही संधि का, सही संधि का विकल्प चुनिए, चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्रादय, चंद्रोदय, इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट चंद्रोदय। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, क्रिया की संज्ञा की सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की, तो यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ऑप्शन फोर्थ सही है। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए, पत्थर की लकीर, जिद्दी व्यक्ति दृढ़ रहना, पत्थर से चित्र खींचना, पत्थर से लकीर खींचना, तो इसका सही ऑप्शन है दृढ़ रहना, ऑप्शन सेकेंड। प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए, इसका भूतपूर्व, अपूर्व भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, इसका सही ऑप्शन है सामान्य भूत। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के कुछ रूप का चुनाव कीजिए, शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए, राशि, 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 इसका सही ऑप्शन है राशि, क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड। महाप्राण वर्ड का क्या अर्थ है, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए, अल्प मात्रा वाले वर्ड जिसके उच्चारण में श्वास अधिक लगे, दीर्घ मात्रा वाले वर्ड, कम ध्वनि उच्चारण वाला वर्ड, इसका सही ऑप्शन है सेकंड, जिसके उच्चारण में श्वास अधिक लगे। क्वेश्चन नंबर 27, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सही विकल्प चुनिए, अधिकार अधिकरण कारक, करण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक, इसका सही ऑप्शन है अधिकरण कारक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कौन सा वाक्य भेद है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो ये मिश्र वाक्य, ऑप्शन सेकंड सही। लाइलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग सही उपसर्ग, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, लाइल, ला, लाई, इल, इसका सही ऑप्शन है ला। रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, इसका सही ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सेकंड। नकली शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए, ली, इक, ई, ईक, इसका सही ऑप्शन है ई, ऑप्शन थर्ड। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, वीरा, वीरा, वीरांगना, वीरता, इसका सही ऑप्शन है वीरांगना, ऑप्शन थर्ड। संतरा किस भाषा का शब्द है, जापानी, पुर्तगाली, संस्कृत, तुर्की, तो ये पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्य को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, चार भाषाएं बोलने वाला, चार वेदों को जानने वाला, चार वेदी वाला, यज्ञ चारों वेदों को लिखने वाला, तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, चारों वेदों को जानने वाला। नीचे दिए गए विकल्पों, विकल्प शब्दों में से किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द नहीं होता, उसे छांटिए, आधुनिक, पक्का, साग, बच्चा, साग, ऑप्शन थर्ड सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नृपति का समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए, राजा, नरेश, नृसिंह, भूपति, तो यहाँ नृसिंह जो है ऑप्शन थर्ड ये सही है। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो वह कौन सा वाक्य होता है, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, तो वह कर्तृवाच्य होता है, ऑप्शन थर्ड सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, लड़कियों ने अच्छा गीत गाया, लड़की ने अच्छा गीत गाया, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, इसका सही ऑप्शन है थर्ड, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। क्वेश्चन नंबर 39, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इसका सही ऑप्शन है समूहवाचक, थर्ड ऑप्शन सही है।
किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कीजिए। अनभिज्ञ, सर्वज्ञ, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ। इसका सही ऑप्शन है विशेषज्ञ, फोर्थ ऑप्शन। अब यहां से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ हैं। क्वेश्चन नंबर 41। न्यू आईपीआर पॉलिसी 2016 में आईपीआर का आशय है इंप्रूवमेंट प्रोग्राम रिसर्च इंडियन पेंशन रूल्स इंडस्ट्रियल एड पब्लिक रिलेशंस इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका सही ऑप्शन फोर इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 42। अगस्त 23, 2016 को गोदावरी में सिंचाई योजना के निर्माण के बारे में किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र, आंध्र और कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र और तेलंगाना, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43। नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय ने भारत का सबसे स्वच्छ राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? पांडुचेरी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44। पैरा ओलंपिक गेम 2016 भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? मरियम्मा तंगवेलु, दीपा कर्मचंद, दीप्ति मलिक, दीपा मलिक। इसका सही ऑप्शन है दीपा मलिक, फोर्थ ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 के अनुसार सूची में सर्वोच्च स्थान पर कौन से दो जिले थे? मंडी सिक्किम, शिमला नाडिया, नाडिया सातरा, सतारा मंडी सिंधु दुर्ग। इसका सही ऑप्शन है मंडी सिंधुदुर्ग, फोर्थ ऑप्शन। भारत और चीन ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में अक्टूबर 2016 में भाग लिया जिसका आयोजन हुआ था लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन सही है लद्दाख में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में निर्मित कौन सी पहली इलेक्ट्रिक बस का अनावरण अक्टूबर 2016 को किसके द्वारा किया गया? टाटा टायोट, किर्लोस्कर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सही ऑप्शन है अशोक लेलैंड, थर्ड ऑप्शन सही है। रियो ओलंपिक 2016 में पुरुषों की फुटबॉल में उपविजेता कौन था? हॉन्डुरास, ब्राजील, जर्मनी, नाइजीरिया। इसका सही ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन थर्ड। IUCN हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 प्राप्त किया चंडी प्रसाद भट्ट, विभूति लालेकर, जोस्वे कम्बासु, बांतु लुकाम्बू। इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, विभूति लालेकर। क्वेश्चन नंबर 50। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में भारत के अनुरोध का समर्थन न करने के पीछे चीन का मुख्य विवाद है। NSG ऐसे संभ्रांत देशों का समूह है जो भारत को नहीं चाहते। भारत की पाक से अनबन, भारत के पास उसके लिए अपेक्षित क्षमता ना होना, भारत पहले परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही है। ग्रीष्म ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते? एक रजत और एक कांस्य, एक स्वर्ण और एक रजत और दो कांस्य, एक स्वर्ण और एक कांस्य। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, एक रजत और एक कांस्य। क्वेश्चन नंबर 53। ललित अर्पण सम्मान के लिए चुनी गई शुभा मुद्गल किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है? बांसुरी और शहनाई, ठुमरी और दादरा, गजल और सुगम संगीत, सरोद और तबला। तो ये ठुमरी और दादरा में ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 53। वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वाधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने एक IGA पर हस्ताक्षर किए, IGA का तात्पर्य क्या है? इंट्रा ग्रुप एग्रीमेंट, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, इंडियन जियोग्राफिक एग्रीमेंट, इंफ्राग्राउंड एग्रीमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ऑप्शन सेकेंड।
122वां भारतीय संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, असम। क्वेश्चन नंबर 56। संकट मोचन कार्रवाई के अंतर्गत भारत ने दो C-17 परिवहन विमान जुलाई 2016 में वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस देश से भेजे? यमन, कांगो, दक्षिण सूडान, अंगोला। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण सूडान। थर्ड, भारत द्वारा हाल ही में जलावतरण की गई और देश में निर्मित परमाणु पनडुब्बी का नाम है? INS विक्रांत, INS सम्राट, INS विराट, INS अरिहंत। इसका सही ऑप्शन INS अरिहंत। रघुराम राजन ने भारत के रिजर्व बैंक को अलविदा कब कहा? जुलाई 4, 2016, सितंबर 4, 2016, सितंबर 15, 2016, अगस्त 16, 2016। इसका सही ऑप्शन है 4 सितंबर 2016 में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ NIDHI कार्यक्रम क्या है? एक संगठन जो अपनी निधियों के नियंत्रण हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य करता है, अपनी निधियों तथा आधारभूत संरचना की जरूरतें पूरी करने हेतु विचारों को पुष्ट करने की योजना, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य आपात स्थिति में बफर स्टॉक का निर्माण करना जो उन कृषक दुर्भाग्यवश आत्महत्या करते हैं उनकी सहायता हेतु निधि का सृजन करना। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही होगा, अपनी निधियों तथा आधारभूत संरचना की जरूरतें पूरी करने हेतु विचारों को पुष्ट करने की योजना। क्वेश्चन नंबर 60। नीता अंबानी को निम्नलिखित में से किसका वैयक्तिक सदस्य चुना गया? MCC, FIFA, BCCI, IOC। तो इसका सही ऑप्शन IOC। क्वेश्चन नंबर 61। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने इस खेल के सभी प्रारूपों से कप्तानी की है? सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, MS धोनी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है MS धोनी। योग एक्सप्रेस 2015 और के बीच चलती है दिल्ली देहरादून, अमृत देहरादून, पुरानी दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई और ऋषिकेश। तो ये पुरानी दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलती है, ऑप्शन थर्ड सही है। BCCI द्वारा सितंबर 21, 2016 में गठित किए गए चयन बोर्ड के प्रधान है? MS के प्रसाद, जतिन परांजपे, शरणदीप सिंह, अनुराग ठाकुर। इसका सही ऑप्शन है MS के प्रसाद। एशियन चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में PR श्रीजेश की अनुपस्थित में भारतीय टीम की कप्तानी किसने की? वीरेंद्र लाकड़ा, सरदार सिंह, SV सुनील, रुपिंदर पाल सिंह। इसका सही ऑप्शन है रुपिंदर पाल सिंह, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 65। 2016 में पुरुषों की एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को गोलों से पराजित किया 3-2, 1-0, 2-0, 2-1। तो इसका सही ऑप्शन 3-2 से हराया था। क्वेश्चन नंबर 66। 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल हुए? 29, 28, 27, 26। तो इसमें 28 खेल हुए थे, ऑप्शन सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 67। पाकिस्तान में बसे भारतीयों के बारे में बहुत दिनों से लंबित पड़ा बिल जिसे हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पारित किया है किस संबंध में? हिंदू मंदिर, हिंदू धरोहरें, हिंदू अधिकारों की सुरक्षा, हिंदू विवाह। तो इसका सही ऑप्शन है हिंदू विवाह, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 28 ओलंपिक पदक जीतकर अपने खेल जीवन के शिखर पर पहुंचा? डेरेक ड्रोइन, उसेन बोल्ट, माइकल फ्लेप्स, मेंग सुपिंग। तो इसका सही ऑप्शन है माइकल फ्लेप्स। क्वेश्चन नंबर 69। संयुक्त राज्य संघ की महासभा में भारत की महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को किस भारतीय संगीतकार ने सम्मानित किया? लकी अली, शंकर महादेवन, अमित त्रिवेदी, AR रहमान। ऑप्शन फोर सही है AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 70। संयुक्त राष्ट्र के नव निर्वाचित सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस किस देश से? अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल, कोलंबिया। तो इसका सही ऑप्शन है पुर्तगाल, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71।
यहाँ से अब कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। 405 टाफियां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिली टाफी कुछ बच्चों की संख्या का 20% थी। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियां मिली। 18, 15, 45, 9। इसका सही ऑप्शन है 4th, 9। क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति एक बिंदु से 20 मीटर पूर्व की ओर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर वह 15 मीटर चला। पुनः वह बाईं ओर मुड़ा तथा 8 मीटर चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर वह 6 मीटर चला। प्रारंभ बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है। 15 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन था 15 मीटर। एक मेज का लिखित मूल्य 1105 है। इस लिखित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। दुकानदार को अभी भी 4% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है। 750, 850, 900, 884। तो इसका सही ऑप्शन है 850 रुपये। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 74। एक थैले में 6 लाल, 6 हरी तथा 8 नीली कमीजें हैं। एक कमीज यादृच्छया से निकाली गई। प्रायिका ज्ञात कीजिए कि निकाली गई कमीज हरे रंग की नहीं है। 7/10, 7/20, 9/20, 3/5। तो इसका सही ऑप्शन है 7/10, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75। एक राशि ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3, 2, 3, 7, 11 के अनुपात में बांटी गई। यदि सी का भाग ए से ₹2755 अधिक हो तो बी तथा डी दोनों की कुल राशि है 4408, 7714, 5510, 6612। इसका सही ऑप्शन है सेकंड 7714। क्वेश्चन नंबर 76। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। 5, 75, 3, 27, 6, 108, 7, 84। तो ऑप्शन इसका सही है 7, 84, 4th। क्वेश्चन नंबर 77। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ई जी आई के एफ आई एल ओ एफ एच जे एल तो जी जे पी एम जे जी पी एम जे जी पी एम जे जी जे पी एम इसका सही ऑप्शन है जी जे पी एम पी 4th ऑप्शन इसका सही है। निम्न दोनों समीकरणों को हल कीजिए। 4a² - 20a + 21 = 0। 2b² - 5b + 3 = 0। सही उत्तर a is not greater than b, b is not greater than a, a greater than b। तो इसका सही ऑप्शन है a is not greater than b। तो ऑप्शन ये सेकंड सही। एक दुकानदार एक कमीज 1200 में खरीद कर उस पर कुछ कीमत लिख देता है। इस लिखित मूल्य को ज्ञात कीजिए जिस पर 20% छूट देने के पश्चात भी दुकानदार को 5% लाभ होता है। 1480, 1608, 1200, 1512, 1350। इसका सही ऑप्शन है 1512। क्वेश्चन नंबर 80। दी गई श्रेणी में एक संख्या ठीक नहीं है। जो संख्या ठीक नहीं है उसे लिखिए। 7, 13, 25, 49, 97, 194, 385। फर्स्ट ऑप्शन है 25, 194, 97, 49। तो इसका सही ऑप्शन है 194। ऑप्शन सेकंड। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। महिलाएं, माताएं, बहनें। तो ये कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। तो इसका जो ऑप्शन 4th है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 82। भावना माता है कुसुम की, रमा पुत्री है भावना की, अमित भाई है प्रिया का,
प्रिया कुसुम की पुत्री है। अमित की नानी दादी कौन है? ऑप्शन फर्स्ट प्रिया, रमा, भावना, कुसुम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है थर्ड भावना, ऑप्शन जो है वो थर्ड सही है भावना। क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो संख्या अनुक्रम को पूरा करे। 8, 15, 36, 99, 288। तो फर्स्ट ऑप्शन है 855, 368, 576, 696। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है 855। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो संख्या अनुक्रम को पूरा करे। 98, 72 वाट यहाँ पे पूछा है, फिर 32, 18, 8। तो फर्स्ट ऑप्शन 54, 42, 46, 50। तो इसका सही ऑप्शन है 50, यहाँ 72 के बाद यहाँ 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये आकृति बनी हुई है जिसमें 24, 13, 16, 21। तो इसका सही ऑप्शन है 24 त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 86, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, यह निर्णय कीजिए कि कथनों से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। कथन दिया है सभी एथलीट खिलाड़ी बहादुर हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी महिलाएं एथलीट खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष सभी महिलाएं बहादुर हैं। सेकंड सभी एथलीट खिलाड़ी महिलाएं हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों निकलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दो, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। क्वेश्चन नंबर 87, 6 विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रतिशत निम्न है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है रेखा चित्र, उसमें किस प्रकार के वस्त्रों का दोनों में अंतर अधिकतम है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट ई, बी, डी, सी। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही है सी। क्वेश्चन नंबर 88, दो संख्याओं का योग 128 है, इसका महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 504 है। इन संख्याओं का अनुपात है 5:7, 3:5, 5:7, 9:1:7। इसका सही अनुपात जो आंसर है थर्ड नंबर 7:9। क्वेश्चन नंबर 89, 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और पी 3-3 की दो पंक्तियों में बैठे हैं। एन किसी पंक्ति की छोर पर नहीं बैठा है। एम पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एल जो एन का पड़ोसी है एम के विपरीत स्थान पर बैठा है। के पी का पड़ोसी है, निम्न में से कौन दो एक दूसरे के विकटता विपरीत बैठे हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट JL, PL, MJ, JP। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है JP, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न पद का मान क्या होगा? 16, यहाँ पे ये संख्या दी हुई है जिसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 2 का घाते 15, 16 का घात 4, 8 का घाते 4 और 2 का घाते 27। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 8 का घात 4, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, छठी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का प्रतिशत दो विद्यालयों में इस प्रकार दिया है। तो ये दिया हुआ है कुछ फिगर, तो दोनों विद्यालयों को किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या का अंतर सबसे कम है। पहला ऑप्शन है 6, 12, 9, 10। तो ऑप्शन सही है फोर्थ 10। क्वेश्चन नंबर 92, रोग उसी प्रकार से संबंधित है स्वच्छता से जिस प्रकार दुर्घटना संबंधित है। ट्रकें, सड़कें, सावधानी, उपचार। तो यहाँ सही ऑप्शन है सावधानी से। क्वेश्चन नंबर 93, 75
लड़कियों का माध्य भार 47 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक लड़की का भार 45 किलोग्राम लिखा गया जबकि उसका वास्तविक भार 25 किलोग्राम था। लड़कियों का सही माध्य भार है। उत्तर 2 दशमलव स्थान तक लिखें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 47.13 किलोग्राम, 46.64 किलोग्राम, 46.73 किलोग्राम, 45.96 किलोग्राम। इसका जो सही ऑप्शन है थर्ड 46.73 किलोग्राम। उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव। तो निर्देश यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 95। 20 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। आज उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है 48 और 24 वर्ष, 66 और 33 वर्ष, 55 और 27, 27.5 वर्ष, 44 और 22 वर्ष। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 44 और 22 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 96। लघु संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से एक संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट 66, सेकंड 12, 17, 55। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है 66, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97। एक व्यक्ति साइकिल से उत्तर दिशा में गया, तत्पश्चात दाईं ओर मुड़ा तथा 2 किलोमीटर चलकर पुनः बाईं ओर मुड़ा तथा 3 किलोमीटर और सफर किया। उस समय वह अपने आप को प्रारंभ बिंदु से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में पाता है। बताइए प्रारंभ में वह उत्तर दिशा में कितनी दूर गया? 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 98। एक दिन के एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाए तथा हर को 120% बढ़ाया जाए तो भिन्न 4/11 हो जाती है। तो मूल भिन्न है 4/15, 5/11, 7/12, 3/11। तो इसका सही ऑप्शन है 4/15। क्वेश्चन नंबर 99। राहुल पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलकर दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर जाता है और फिर 2 किलोमीटर बाईं ओर जाता है। अंत में दाएं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। राहुल अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। इसका सही ऑप्शन है पश्चिम, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100। यदि एक कूट भाषा में MYSORE को LZRPQF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SILVER को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है REVLISTHMUFQRJKWDSRHKUDQ। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड RJKWDS। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो KVL 2017 में फर्स्ट पेपर में जो 100 क्वेश्चन आए थे तो उसे बता दिया है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जामों में, मैं आप लोग के लिए वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।